दोस्तों, अगर आपका भी WhatsApp अकाउंट बैन हो चुका है और जब भी आप ओपन कर रहे हैं कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि दिस अकाउंट कैन नॉट यूज WhatsApp और नीचे रजिस्टर ए न्यू नंबर करके आ रहा है, तो बिल्कुल सही वीडियो प्ले किया है। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो 100% वर्किंग है। और दोस्तों, अगर आप इसे करते हैं तो भले ही आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हुआ हो, आपका अनबैन हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा क्योंकि एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों नंबर फिल करने का आता है, तो आपको नंबर नहीं फिल करना है। यहाँ पर आपको 3 डॉट देखने को मिला है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों हेल्प देखने को मिलेगा, तो हेल्प पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा कि दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको विजिट आवर हेल्प सेंटर देखने को मिल रहा है, तो इस पर आप सभी को क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब नीचे अकाउंट एंड अकाउंट बैलेंस देखने को मिलता है, तो इस पर हमें सीधे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो चुका है, तो आपको नीचे जो अकाउंट बैन लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है वो टेम्परेरी बैनड का है, और टेम्परेरी बैनड में आपको रिक्वेस्ट देता है रिव्यू का, तो आप मैसेज करके अनबैन करा सकते हैं। लेकिन परमानेंटली बैन हुआ तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, ये वाला है। ठीक है, अब इस पर चूज करने के बाद दोस्तों आपको भी यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधे ही दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट इन टच, तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है कॉन्टेक्ट अस करके, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पे जो है हमें क्लिक कर देना है सबसे पहले वाले पे। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपका बैन हुआ है परमानेंटली, जो भी बैन हुआ है वो वाला नंबर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। सेकंड में दोस्तों आपको एक ऐसा ईमेल एड्रेस देना है जिससे कि वे आपसे कांटेक्ट कर पाएं, यानी आपके फ़ोन में वो ईमेल एड्रेस लॉगिन होना चाहिए। आपको यहाँ पर एक बार डाल देना है, दूसरी बार कन्फर्म कर देना है, यानी दो बार आपको मेल डालना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है कि हाउ डू यू यूज व्हाट्सएप, आप किस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में ही रहने दीजिएगा। अगर आप आईफोन में यूज कर रहे थे या आईफोन में यूज करेंगे तो आप आईफोन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, बाकी दोस्तों अब मेन जो चीज़ आ जाती है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैं यहाँ पर आपको एक मॉडल बता देता हूँ, कभी भी किसी का कॉपी करके पेस्ट मत करना भाई, आप अपने मन से लिखो वो बेटर रहेगा। आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है कि डियर व्हाट्सएप टीम, ठीक है, डियर व्हाट्सएप टीम, और इसके बाद नीचे जो है आपको सब्जेक्ट डाल देना है। ठीक है, सब्जेक्ट में आपको डालना क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आपको लिखना है अकाउंट परमानेंटली बैनड, ये आपको डालना है। और यहाँ पर लास्ट में जो है आपको, लास्ट में आपको नंबर कंपलसरी हो जाएगा, वही नंबर डालना जो बैन हो चुका है आपका। बाकी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि मैं जो है ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, जो अभी आपके सामने आ रहा था कि दिस अकाउंट कैन नॉट यूज वाला, वही वाला। ठीक, तो इसे लिखना है कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और इसके बाद आपको नंबर डालना है, और इसके बाद बोलना है कि मतलब ये जो है मेरी वजह से नहीं हुआ है, और हो सकता है कि बाई मिस्टेकली आपके द्वारा हुआ हो, प्लीज़ चेक करिए। और ऐसे कुछ आपको लिखना है अपने शब्दों में। अभी मैं यहाँ पर आपको लिख के नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैं दूंगा वही आप सब कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ें सही नहीं है। आप अपने शब्दों में करेंगे, और मेन जो सब्जेक्ट होता है और नंबर होता है वही देख करके ही अगर जो है सॉल्व होने लायक होगा तो हो जाएगा। और मान के चलिए दोस्तों करीब 90% लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ये वाले ट्रिक करने से। केवल 7 से 8 घंटे में आपका जो परमानेंटली अकाउंट होता है वो अनबैन हो जाता है। तो आप भी कोशिश कर लीजिए, अगर सच में आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो अनबैन हो ही जाना है। ठीक है, और ये 100% वर्किंग ट्रिक है, इसके अलावा और कोई भी अच्छी ट्रिक है ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं सीरो वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।